वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 25 सितंबर 2020 और 25 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया गया है? तो अभी 24 सितंबर को वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया गया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आपको यहां पे यह ध्यान रखना है कि यह हर साल 24 सितंबर को नहीं मनाया जाता है, एक्चुअल में यह सितंबर के लास्ट वीक में मनाया जाता है। तो डेट कोई भी हो सकती है लेकिन यह सितंबर के लास्ट वीक में मनाया जाता है। तो इस बार यह वर्ल्ड मैरीटाइम डे 24 सितंबर को मनाया गया है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे यानी कि विश्व समुद्री दिवस। अच्छा, इस बार के वर्ल्ड मैरीटाइम डे की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लैनेट। क्या है? सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लैनेट। अच्छा, इसको मनाता कौन है? तो इसको अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन मनाता है। अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन, इसकी स्थापना कब हुई? 17 मार्च 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? लंदन में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे महासचिव कौन है? इसके प्रेजेंट टाइम पे महासचिव हैं किटेक लिम। कौन है? किटेक लिम। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज किस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अच्छा, बहुत दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर स्टैटिक जीके की वीडियो बनाइए, तो मैंने स्टैटिक जीके के लिए एक कंप्लीट नई सीरीज शुरू कर दी है। इसमें मैं स्टैटिक जीके के हर टॉपिक को कवर करूंगा। पहला मैंने ये वीडियो बना दिया है इंपोर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया। इसमें इंडिया के जितने भी टेम्पल्स हैं जो आज तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए सारे मैंने कवर किए हैं। तो स्टैटिक जीके का ये मैंने पहला वीडियो बना दिया है, इसको आप देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में फैक्ट स्टडी करके एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप इसे देख सकते हो। नहीं तो आप यूट्यूब पर इंपोर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया बाई इंद्रेश आरसी इतना आप सर्च करोगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी मैं पिंड कमेंट में इसका लिंक दे दूंगा। तो ये स्टैटिक जीके की सीरीज का पहला वीडियो है। स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक हैं जैसे नेशनल पार्क हैं, फेमस इंडिया के जो डांस हैं, जो अलग अलग स्टेट के फेमस डांस हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये टेम्पल्स का वीडियो मैंने बता दिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, ये जितने भी टॉपिक हैं स्टैटिक जीके के ये इस सीरीज में मैं पूरे कवर करूंगा। तो ये पहला वीडियो आप देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किया गया है? तो अभी जोधपुर में नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। एक्चुअल में राजस्थान के जोधपुर में कोरोना वायरस के मरीज एकदम बहुत तेजी से बढ़ने लगे, इसीलिए जोधपुर प्रशासन ने नो मास्क नो सर्विस और नो मास्क नो एंट्री ये दो अभियान शुरू किए हैं जिससे कि कोरोना वायरस को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोच कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? तो मोच कलश योजना 2020 इसको मंजूरी राजस्थान गवर्नमेंट ने दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है, मोक्ष कलश योजना 2020? तो आपने देखा होगा जब बुजुर्ग चले जाते हैं इस दुनिया से तो उनकी अस्थियों का विसर्जन किया जाता है और उनकी अस्थियों के विसर्जन के लिए लोग गंगा में जाते हैं और गंगा में उनकी अस्थियों का विसर्जन करते हैं। तो राजस्थान में इसके लिए ये मोक्ष कलश योजना शुरू की गई है। इसमें दो व्यक्तियों को जो राजस्थान की रोडवेज है उसमें मुफ्त में यात्रा के लिए फैसिलिटी दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार के किसी सदस्य की अस्थियों का विसर्जन करने गंगा में जा रहा है तो उसके परिवार के दो व्यक्तियों को मुफ्त में राजस्थान रोडवेज में ट्रेवल करने के लिए दिया जाएगा। तो यह है मोक्ष कलश योजना 2020, इसको मंजूरी राजस्थान ने दी। अब राजस्थान ने दी तो यह है मैप पे राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, राजस्थान में अभी
स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए। अभी तीन तरह के मित्र नियुक्त हो चुके हैं, राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त हुए हैं, आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र नियुक्त हुए हैं और किसान मित्र नियुक्त हुए हैं हरियाणा में। ये तीनों मित्र आप याद रखिए। राजस्थान में राजकॉप सिटीजन ऐप लॉन्च हुआ है, राजस्थान में स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है और आयु एवं सेहत साथी ऐप ये भी राजस्थान में लॉन्च हुई। अच्छा, राजस्थान में ऑपरेशन डेजर्ट चेज शुरू हुआ है, कामधेनु डेयरी योजना भी राजस्थान में शुरू हुई है, इंदिरा रसोई भी राजस्थान में शुरू हुई है और राजस्थान में जो मिल्क प्रोडक्ट हैं उनकी प्योरिटी को चेक करने के लिए एक अभियान चलाया गया था, प्योर फॉर श्योर। राजस्थान में राज कौशल पोर्टल लॉन्च किया गया, स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क और एक केवला देवघाना पक्षी विहार भी है, ये भी आप याद रखिए। अच्छा, राजस्थान में एक इंपोर्टेंट टेम्पल है, वो उस वीडियो में मैंने बताया है। राजस्थान का एक टेम्पल सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, दिलवाड़ा का टेम्पल, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व के 100 सबसे असरदार लोगों की लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय एक्टर को शामिल किया गया है? तो अभी टाइम मैगजीन ने वर्ल्ड के 100 सबसे असरदार लोगों की एक लिस्ट जारी की, इसमें भारत के एकमात्र एक्टर शामिल हुए हैं, आयुष्मान खुराना। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शामिल किया गया है और जो CAA का प्रोटेस्ट हुआ था उसमें दिल्ली में 82 साल की बिल्किस बानो ने पार्टिसिपेट किया था, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल किया गया, आयुष्मान खुराना को शामिल किया गया, बिल्किस बानो को शामिल किया गया और जो गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई, इनको भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेन जॉन्स का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो डेन जॉन्स ये एक क्रिकेटर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये थे डेन जॉन्स। ये ऑस्ट्रेलिया के एक फेमस क्रिकेटर थे और एक फेमस कमेंटेटर भी थे, अभी इनका निधन हुआ है तो इनका नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपना 40वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो अभी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना 40वां स्थापना दिवस 23 सितंबर को मनाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई? 1974 को, 23 सितंबर 1974 को इसकी स्थापना हुई, इसीलिए इसका 40वां स्थापना दिवस अभी 23 सितंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की क्षेत्रीय एम्बेसडर कौन बनी है? तो अभी UNEP की क्षेत्रीय एम्बेसडर बनी है खुशी चिंदालिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं खुशी चिंदालिया। ये मात्र 17 साल की हैं और इनको UNEP के क्षेत्रीय एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली राफेल महिला फाइटर पायलट कौन बनने जा रही है? तो अभी शिवांगी सिंह भारत की पहली राफेल महिला फाइटर पायलट बनने जा रही है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं शिवांगी सिंह और ये अभी राफेल के 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल हो जाएंगी और इसी के साथ ये भारत की पहली राफेल महिला फाइटर पायलट बन जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-चालान प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो अभी केरल के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने ई-चालान प्रणाली का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, ट्रैफिक में चालान से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये ई-चालान प्रणाली का उद्घाटन किया है केरल की चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने। अब केरल में उद्घाटन हुआ है तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, केरल में सात घाटी है, केरल में पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है और केरल का राजकीय पशु क्या है? हाथी। मैंने तीन स्टेट आपको बताए थे, KKJ, केरल, कर्नाटक और झारखंड, इनका राजकीय पशु है हाथी। अच्छा, केरल में अभी K-फोन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, ये जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उनको मुफ्त में इंटरनेट देने के लिए था। केरल में तिरंगा पहल शुरू हुई है, ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए थी। COVID-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट केरल में लॉन्च की है और केरल में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू हुआ है। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान ये केरल में शुरू हुआ
और अभी जो SDG इंडेक्स जारी किया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, इसमें केरल टॉप पर रहा था। अच्छा, केरल में अनाईमुड़ा सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, पम्बड़म सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और एरविकुलम नेशनल पार्क है। अच्छा, केरल का सबसे इंपोर्टेंट टेम्पल कौन सा है? केरल का सबसे इंपोर्टेंट टेम्पल है श्री अय्यप्पा टेम्पल, इसको सबरीमाला टेम्पल भी कहते हैं। मैं आपको एक बार फिर बोल रहा हूं, ये जो टेम्पल की मैंने वीडियो बनाई है इसको आप जरूर देखिए। अभी तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टेम्पल्स पूछे गए हैं सारे मैंने इसमें डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट ऐप ने टोकन जारी करने की घोषणा की है? तो अभी गूगल पे ने टोकन जारी करने की घोषणा की, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये क्या है, टोकन जारी करने की घोषणा? तो अभी तक जब आप गूगल पे से पेमेंट करते थे तो पहले उसमें आप अपना अकाउंट डिटेल फिल करते थे, आपको अपने ATM कार्ड की डिटेल भी फिल करने पड़ती थी। अब ये टोकन जारी करने की फैसिलिटी से क्या है, आपको अपनी जो डेबिट कार्ड की डिटेल है उसको बिल्कुल भी पब्लिक नहीं करना है और आपके पेमेंट हो जाएंगे। तो ये है डिजिटल पेमेंट ऐप की टोकन सेवा, इसको अभी गूगल पे ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सेफ पे सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी IDFC फर्स्ट बैंक ने सेफ पे सुविधा शुरू की है, तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब ये क्या है, सेफ पे सुविधा, तो इसमें क्या होगा, जो POS मशीन होती है, POS मशीन नियर फील्ड कम्युनिकेशन वाली जो POS मशीन है, उनके सामने सिर्फ आपको अपने मोबाइल को स्वैप करना है, सिर्फ मूव कर देना है मोबाइल को और आपका पेमेंट हो जाएगा। ये है सेफ पे सुविधा, इसको IDFC बैंक ने शुरू किया है। अब IDFC बैंक, इसकी स्थापना कब हुई, 2015 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई में, और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है, वी वैद्यनाथ। कौन है, वी वैद्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसद में किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया गया है? तो अभी संसद में गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया गया, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। गुजरात के गांधीनगर में जो रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय है इसको अब राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में अपग्रेड कर दिया जाएगा, इसी के लिए संसद में विधेयक पारित हुआ है। अब गुजरात के लिए पारित हुआ है, तो यह है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। गुजरात की चीफ मिनिस्टर कौन है, विजय रूपाणी, और गुजरात के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में सोलर रूफ टॉप के इंस्टॉलेशन के मामले पूरे इंडिया में गुजरात फर्स्ट नंबर पे है, और सेकंड नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र। गुजरात पुलिस इंडिया की पहली पुलिस बन गई है जिसके पास टेजर गन है। अब टेजर गन क्या होते हैं, ये हर बार मैं आपको बताता हूं, ये एक ए गन्स होते हैं, यानी कि इनसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। गुजरात में सुजलाम सुपलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ और उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल गुजरात में शुरू हुई है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना भी गुजरात में शुरू हुई है। धनवंतरी रथ गुजरात में शुरू हुए हैं। धनवंतरी योजना असम में शुरू हुई है, कंफ्यूज मत होना, धनवंतरी रथ गुजरात में शुरू हुए, धनवंतरी योजना असम में शुरू हुई है। अच्छा, गुजरात में नल सरोवर लेक है, गुजरात में सरदार सरोवर डैम है, और गुजरात का जो सुरेंद्र नगर है वहां पर एक रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है। अभी गुजरात का एक इंपोर्टेंट टेम्पल मैंने आपको बताया था, सोमनाथ टेम्पल, ये गुजरात के गिरी सोमनाथ जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां किया है? तो अभ्यास ये एक टाइप की मिसाइल है और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण DRDO ने उड़ीसा में किया है, तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब पहले तो उड़ीसा, मैप में देखिए, ये है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है, नवीन पटनायक, और उड़ीसा के गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है इसके चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफीक। उड़ीसा में मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल शुरू हुई। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर को पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। इसमें चिल्का लेक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा में गरिमा नामक अभी एक नई योजना शुरू हुई है। उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया गया था। उड़ीसा में सबूज उड़ीसा पहल शुरू हुई है, सबूज उड़ीसा पहल, ये वृक्षारोपण के लिए है। उड़ीसा में रज पर्व या रजा पर्व मनाया गया। उड़ीसा में चैत्र जात्रा उत्सव भी मनाया गया, और उड़ीसा में किसानों के लिए कालिया योजना पहले से चल रही है और इसी के सिमिलर एक योजना शुरू की गई है, इसका नाम है बलराम योजना।
इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाहा एंडो को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया? तो बाहा एंडो, इनको माली का नया राष्ट्रपति नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये है बाहा एंडो, ये अब माली के नए राष्ट्रपति नामित हो गए हैं। अब माली, तो मैप में देखिए, ये है माली। माली की कैपिटल क्या है? बमाको। माली की करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। और माली के अब नए राष्ट्रपति तो यही नामित हो गए हैं, बाहा एंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोवैक्सीन के चरण 3 के परीक्षण की अनुमति दी है? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने गोरखपुर में कोवैक्सीन के चरण 3 के परीक्षण की अनुमति दी। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अनुमति उत्तर प्रदेश ने दी है, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदी बेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रौंच। राजकीय पुष्प क्या है? पलास। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप, ये दो ऐप उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुई। उत्तर प्रदेश का जो मंडुआ डी रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदल के अब बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। उत्तर प्रदेश में नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में पूरे इंडिया में नंबर वन पे है। उत्तर प्रदेश में अभी हर्बल रोड प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, इसमें 800 किलोमीटर रोड के दोनों ओर हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। हर्बल पेड़ यानी कि ऐसे पेड़ जिनसे औषधियां बनती हैं। उत्तर प्रदेश में अभी गौ हत्या अधिनियम में संशोधन हुआ है। इतना आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य में अम्मा मोबाइल राशन शॉप लॉन्च की गई है? तो अभी तमिलनाडु में अम्मा मोबाइल राशन शॉप लॉन्च की गई, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन कहां हुआ है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना, आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।